कर्टसी बाय बंगाली एसोसिएशन बिहार भागलपुर ब्रांच। शौचालय केवल 30% दो लोगों को पास अपना शौचालय है, बाकी 61% लोग खुले में जाने के लिए बात है। बिहार राज्य के अन्य परिवारों के आर्थिक सामाजिक अवस्थाओं से तुलना करने से स्पष्ट होता है कि शरणार्थी परिवारों की अवस्था दयनीय है। लगभग 57% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। केवल 40% लोगों को सामाजिक कल्याणकारी योजना का लाभ मिलता है। जिन शरणार्थियों के आवंटित जमीन नदी में बह गई है, उसके पुनर्वासन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था न होने से वो दर-दर भटक रहे हैं। उसी तरह नदी में विलीन जमीन का पुनः नदी से बाहर आने के बाद भी जमीन के मालिकों को वापस नहीं मिलने से शरणार्थी पूरा बेसहारा हो रहे हैं। शरणार्थियों को केंद्रीय सरकार से जमीन देकर बसाया। गुहार साहब से अनुरोध करता हूँ, वो आकर मुझे हम लोगों को दो बात कहें। ये नया साल भी है और ये इसलिए हम चाहते हैं, हमसे जो बड़े हैं, हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं बिहार बंगाली समिति के, उन्हें आज मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान उन्हें दिया जाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वालिद वरन चक्रवर्ती, जो सुबह ये आए थे एक विशेष व्याख्यान देने के लिए, मैं श्री वालिद वरन चक्रवर्ती को मंच पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्हें हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं उसे समाप्त करने की जादू प्राप्त है, हमारे समाज में जो भी कमजोर हैं उन तबके को आगे बढ़ाने का जादू प्राप्त है। मैं आशा करता हूं कि भाषाई अल्पसंख्यकों के जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को उन तक जो बात हम लोग रख पाए हैं उस समस्याओं की समाधान उनके जादू से जरूर संभव होगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेता प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जय हो। हमारे प्रिय नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की जय हो। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद सलाम साहब, कार्यक्रम के आयोजक और बिहार बंगाली समिति के अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर कैप्टन दिलीप कुमार सिन्हा जी, बिहार बंगाली समिति के सचिव श्री पूर्णेंदु शेखर पाल जी, आदरी के संस्थापक कर्ता धर्ता और सदस्य सचिव श्री शैवाल गुप्ता जी, उनके सहयोगी श्री पीपी घोष जी, समाज सेवी श्री नंदी गोपाल राय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वारिद वरन चक्रवर्ती साहब, श्रीमती बीतिका चक्रवर्ती जी, हिंदी के जाने माने लेखक और आलोचक श्री खगेंद्र ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, बिहार बंगाली समिति से जुड़े हुए तमाम
यहाँ उपस्थित बहनों, भाइयों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले डॉक्टर दिलीप सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बिहार बंगाली समिति के इस आयोजन में आमंत्रित किया और यह नौ वर्ष बंगाल की शुरुआत है। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, बिहार की प्रगति के लिए, बिहार में आपस में प्रेम हो, सद्भाव हो, भाईचारा हो, उन सभी कार्यों से आप अवगत हैं। बिहार की तरक्की में और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो बिहार के बंगला भाषी लोग हैं, यानी जो बिहारी बंगाली हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बिना बंगाली शिक्षक के काम नहीं चलता था, और सब जगह टीचर्स थे। मैं तो बड़ी छोटी जगह पर पटना जिला के बख्तियारपुर में पढ़ता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र, डॉक्टर भी बंगाली होते थे। आज भी उनकी संख्या बहुत है। तो जो शिक्षा का क्षेत्र हो या लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल का क्षेत्र हो, ये बुनियादी क्षेत्र है और इसमें बहुत बड़ा योगदान। तो इसके जो बंगला भाषी, अब जब बिहार का गठन हुआ, पहले बिहार बंगाल तो एक ही प्रांत था, 1912 में बिहार अलग प्रांत बना, शुरू में बिहार उड़ीसा, बाद में उड़ीसा भी अलग हो गया 30 के दशक में। तो उसके बाद भी प्रांत के अलग होने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में जो बंगला भाषी बिहार में आ गए थे, उन्होंने बिहार को ही अपने राज्य के रूप में स्वीकार किया। बोलचाल की भाषा में भाषा के चलते बंगला भाषी उनकी मातृभाषा है, इस नाते लोग बंगाली कह दें, लेकिन वो किसी बिहारी से कम बिहारी नहीं है। यहाँ सहवाल गुप्ता जी बैठे हुए हैं, आदरी चलाते हैं गुप्ता जी, और सब लोगों का पूरे परिवार का योगदान बेगूसराय से लेकर यहाँ तक कम्युनिस्ट आंदोलन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर जगह जो योगदान, और खुद एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से शुरू किया इन्होंने और अपनी संस्था बनाई आदरी, जिसका भी 25 साल पूरा हुआ, और फंक्शन में हम लोगों को भी इन्होंने कृपा की इनवाइट करने की, तो उसमें भी गए थे। और जिस तरह से देश भर के लोग, बाहर के लोग आए, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं इनकी चर्चा आदरी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग तो कहेगा कि सहवाल गुप्ता जी तो बंगाली हैं, लेकिन जिस तरह से ये जो सब नेशनलिज्म की बात करते हैं और बिहारियों के अंदर बिहारीपन कैसे जगे, इसके लिए काफी काम इन्होंने किया। तो जितने बंगला भाषी यहाँ रह रहे हैं वो इसी मानसिकता के, और अभी कैप्टन दिलीप सिन्हा जी ने काफी अपनी बात रखी समस्याओं को लेकर, लेकिन दिलीप बाबू हमको यहाँ बुलाए, लेकिन पहले से कोई समस्या वगैरह हमको नहीं पता है। लेकर आते अचानक हम यहाँ आए हैं तो देखा कि 10-12 वक्तव्य पड़ा हुआ है, हम उसी को पढ़ रहे हैं। सहवाल जी को हमने कहा कि भाई देखिए कैप्टन साहब, पहले तो कहे नहीं, यहाँ मंच पर रखा, और उसके बाद देखा कि उसी का जिक्र ये, हालांकि पूरा नहीं पढ़ा, याद आई पढ़ के छोड़,
लेकिन अब तो इनका पूरा पड़ गया। अब इनको मालूम है, इसकी चर्चा भी कर रहे थे, जो बांग्लादेश के बनने के समय जो आए शरणार्थी और या पूर्वी पाकिस्तान, वैसे लोग हम जानते हैं, उन लोगों की समस्या और खास करके चंपारण इलाके में बड़ी संख्या में बसाए गए, उनकी समस्या थी। मैं जब वहां गया था तो वहां के लोगों ने बताया, फिर यहां कैप्टन दिलीप सिन्हा जी से बातचीत हुई, फिर इसके लिए 2009 में बैठकर क्या इनके लिए किया जाना है, इन सब चीजों पर चर्चा हुई। और अभी हम लोग देखेंगे और क्या कुछ बच गया है उसमें, कोई आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, थोड़ा समय के पहले बताते तो और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में सहूलियत हो। लेकिन जहां तक स्मरण है उस दिशा में काफी कोशिश की गई है, पहल की गई है, और जो जिनकी मातृभाषा बंगला है उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए ही शिक्षकों की बहाली का निर्णय हमने लिया। तो जहां तक याद पड़ता है 400 शिक्षक की बहाली का निर्णय है, 400 शिक्षक की बहाली का निर्णय करीब करीब यही जो मुझको स्मरण से पहले दिए होते तो सब कागज में रखता था, लेकिन याद पर हम सब बोल रहे हैं। तो उसका काम चल रहा है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि शिक्षकों का जो नियोजन है उसको हम लोगों ने विकेंद्रीकृत कर दिया, वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है। अब जो नियोजन इकाइयां हैं वो पंचायती राज संस्थाएं हैं और नगर निकाय, तो काफी असुविधा होती है। हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि पहले जो शिक्षक की पात्रता परीक्षा योग्यता होनी चाहिए उसकी परीक्षा होनी चाहिए, और अंतोगत्वा ये भारत सरकार ने भी निर्णय लिया कि अगर उनकी मदद चाहिए तो वैसी स्थिति में ये परीक्षा होनी जरूरी है। तो ये सब काम होता है, और हम भी जानते हैं कि थोड़ा विलंब होना और अगर तय भी हो गया तो नियुक्ति पत्र मिलने में अनेक प्रकार की कठिनाई आती है। शिक्षा विभाग इन चीजों को देख रहा है, और हमने भी शिक्षा विभाग से चर्चा की, सिर्फ बंगला शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य मामलों को लेकर, तो उन चीजों पर तो निश्चित रूप से होगा। मेरी दिलचस्पी है, और बंगला भाषा जो है वो एक समृद्ध भाषा है, और मैं समझता हूँ कि जो जिनकी मातृभाषा है उनको अपने भाषा के माध्यम से पढ़ने का जरूर अधिकार मिलना चाहिए, और उसका इंतजाम जितना भी संभव हो वो किया जाना चाहिए, और हम इस राय के। और देखिए, इसलिए ही यहाँ जो हम लोगों का कंसेप्ट है माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का, सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, भाषाई दृष्टिकोण से भी जो अल्पसंख्यक है उनको भी हम लोग अल्पसंख्यक मानते हैं, और यही कारण है कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष दिलीप सिन्हा जी भी हैं, पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं। तो वहां से जो कुछ भी होना है, अभी हमने देखा कि इन्होंने जो अपना भाषण दिया है उसमें कुछ बातें रखी है, उसमें एक इन्होंने अनुरोध किया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुनने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भाषाई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया जाए, जिससे भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं की जानकारी सरकार तक हो सके। यह सुझाव उत्तम सुझाव, इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ। समस्या को ठीक ढंग से समझ कर उसको आर्टिकुलेट करते हुए सरकार के समक्ष रखना ताकि उसका समाधान किया जा सके, यह बहुत ही अच्छा और ठोस सुझाव है, इसलिए इसको इस पर आगे कार्रवाई होगी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। बात है कि पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए हमने स्कीम शुरू की और कहा था लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें हमारे बच्चे, तो सबसे पहले हमने योजना शुरू की थी कि जो अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, उनको हम मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करने पर प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये की देंगे, ताकि आगे की पढ़ाई करने में उनको सहूलियत हो, और कालांतर में फिर उसको सभी लड़कियों के लिए, फिर अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, सबके लिए एक्सटेंड किया गया। तो अब वो बड़ी सफल योजना है, और कहाँ मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करने वालों की संख्या पहले कम रहती थी, अब उनकी संख्या बहुत बड़ी, खास करके माइनॉरिटीज में हमने देखा है कि इसका प्रभाव 2 वर्ष के अंदर हुआ,
2-3 हजार से बढ़कर 22-23 हजार पर पहुंच गया था 2-3 साल के अंदर। तो उस सिलसिले में इनका एक सुझाव है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं था कि भाषाई अल्पसंख्यक शामिल नहीं, क्योंकि बिहार में जब हम अल्पसंख्यक आयोग बनाकर उनकी समस्याओं को देखते हैं तो भाषाई अल्पसंख्यक इसमें शामिल होना ही चाहिए। इसलिए अगर छूट गया है और एक बड़ा सुंदर काम आप लोगों ने किया है यहाँ, जो जहाँ उन्होंने जानकारी दी है कि जो कूड़ा चुनने वाले परिवार की लड़कियां हैं उनको आप पढ़ाते हैं और सिलाई कढ़ाई और किस प्रकार से इतना सुंदर लय में बच्चियों ने अपना गीत गाया है, प्रभावकारी था। इसी प्रकार से काम हो रहा है शिक्षा विभाग में किलकारी नाम की संस्था के द्वारा, जितने इस प्रकार की झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चे, दलित समाज, महादलित समाज के बच्चे बच्चियों को हर दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करने के लिए, पढ़ाने के लिए, और उनके कार्यक्रमों को आपने देखा होगा हर समय, यहाँ तक कि बिहार दिवस के अवसर पर इस बार आपने गांधी मैदान में जो संध्या में प्रस्तुति हुई तो किलकारी के बच्चों ने, बच्चियों ने कितना अंदर अच्छा प्रस्तुत किया, अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाया, उस तरह से हम भी प्रभावित हुए कि ऐसे लोगों को तो इस तरह के काम के लिए। और जो सूचना मिली है श्रीमती नंदिता मुखर्जी की निगरानी में हो रहा, मैं उनको साथ बात देता हूँ, उनको मैं बधाई देता हूँ, ये काम उत्तम है। देखेंगे अभी आपने कहा कि स्थायी घर चाहिए, तो पटना में सरकार के पास तो घर वगैरह की बड़ी दिक्कत है, आप खुद भी जानते हैं, आपको खुद मालूम होगा, लेकिन हम इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे और शिक्षा विभाग को कहेंगे ये जो किलकारी का काम है उसके साथ भी इनको जोड़ा जा सकता है, ताकि उसी के एक विंग के तौर पर आप जिस तरह से इनिशिएटिव आपका है वैसा इनिशिएटिव पहले से है उसके साथ कुछ न कुछ लिंक किया जाना संभव होगा, तो उस पर भी हम करेंगे और शिक्षा विभाग को हम इस हिसाब से इस संदर्भ में जरूर कहेंगे। और बाकी जितनी बातें आपकी हैं सब अच्छी हैं कैप्टन साहब, आप एक दिन आइएगा, आपका सब डॉक्यूमेंट हमको मिल गया है और हमारे सचिव हैं चंचल जी उनको भी हमने दे दिया है, तो एक दिन आपकी बैठक ही अल्पसंख्यक कल्याण अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नाम उपाध्यक्ष की है आपको कम पावर है, आप अपने पावर का इस्तेमाल करिए, सबसे संबंध करके बुला सकते कमजोर कुछ आपको जगह पर पहुंचा ही दिए, ताकि कम से कम जो भाषाई अल्पसंख्यक जो है उनके समस्याओं के निराकरण के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और इसमें हम लोगों की तरफ से पूरी सहायता आपको मिलेगी और जो कुछ भी आपके जो जरूरी मुद्दे हैं हम आपकी भावना का कदर करते हैं और जिस तरह से जो शरणार्थी आए और उनको बसाया गया है हम देख रहे हैं कि उनकी कुछ समस्याएं अभी भी बची हुई हैं और जैसा कि आपने अपने दस्तावेज में बताया है कि अभी कुछ बचे हुए हैं और आपने गिनती उसकी संख्या भी 150 से इस तरह के परिवार जिनको अभी तक आवास भूमि नहीं मिल पाई, तो वह तो उनको मिलाना ही है, यह तो पहले से तय है, जब उनको यहाँ बसाया गया है तो उनको ये सब सहूलियत मिलेगी और उसके आगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जीवन तो अगर समस्या न हो तो आदमी करेगा क्या, अगर समस्या सब खत्म हो जाए तो कैसे जिएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई समस्या नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा, तो अगले दिन आप क्या कीजिए, आदमी जी नहीं सकता। इसलिए जो कुदरत ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है इंसान को, पता नहीं कितना 3 मिलियन वर्ष लगा है, 30 लाख साल लगा है, कितना लगा है, अभी तो इतिहास का विषय खोज चलता ही जा रहा है कितना पहले ये इवोल्व हुआ, तो वो जो इवोल्व हुआ है तो उसमें अगर कुछ समस्या नहीं रहेगी तो आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। जीता है आदमी के सामने कुछ चुनौतियां रहती हैं, कुछ समस्याएं रहती हैं, उसका मुकाबला करता है, उसका सामना करता है,
अब बताइए हम लोग, हमको आपने फिर मुख्यमंत्री चुन लिया, अब सब समस्या का हल हो जाएगा, तो अगला दिन हम करेंगे क्या करेंगे? समस्याएं अगर हैं तो उसका समाधान होता है, लेकिन आप कितनी भी समस्या का, उसका दूसरा पहलू है, कितनी भी समस्या का आप समाधान कर दीजिए, नई समस्याएं, क्योंकि बगैर कुछ अगर सामने चुनौती नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, उसको अगर दुरुस्त नहीं करना है, उससे लड़ना नहीं है, तो फिर मनुष्य जी नहीं सकता है। मनुष्य के जीने के लिए आवश्यक, तो आज जितना समस्या आप गिना रहे हैं इस सब को रिजॉल्व कर दीजिए, तो अगले दिन नई समस्या आ जाएगी। यही बात हम जब रेल मंत्री थे तो सबको करते, कहीं जाते थे कहता था ट्रेन का स्टॉपेज दे दीजिए, हमने कहा कि ठीक कर देते हैं, करवा देते थे, अगली बार जाते थे तो कुछ और मांग लेकर के आ जाते, कहता था कि बस ये करवा दीजिएगा, इसके बाद कोई समस्या हम लोग के लिए नहीं करेगा, अगले दिन फिर नई समस्या आएगी। तो यह तो होता ही है। अब कल्पना करिए कितने बड़े पैमाने पर शिक्षा का विस्तार किया गया, तो कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन हुआ, जैसे 50% महिलाओं को हमने प्राथमिक शिक्षा में आरक्षण, तो शुरू में तो सब कहता है कि बस हमको किसी तरह से मिल जाना चाहिए, अब उसके बाद जब हो जाता है तो अगला दिन शुरू हुआ कि नहीं हुआ, ये जो हम लोगों का नियत वेतन था तो उसके बाद साल दो साल के बाद शुरू हुआ कि नहीं हुआ, कि तो वेतन मान दीजिए। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जितना लिखें उतनी ही समस्या, अगर इसमें से सारी समस्याएं हल हो जाएगी तो फिर बैठिएगा तो एक से एक रिसर्च स्कॉलर आपको मिलेगा समस्याओं की, आपके साथ और उस समस्या का हल करने में तो आपको भी कम मिले। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ और इस मंच से भी शराबबंदी के पक्ष में बात की गई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, शराबबंदी से एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हुई, बुनियाद पड़ गई। आप देखिए गांव में, देहात में, अपने मोहल्ले को देखिए, शाम होते होते जो कोहराम मचता था, हंगामा हो रहा है, सब बंद, सब ठंडा हो गया। अब बार बार कहते हैं पूर्णिया गए तो हमको एक आदमी बताया कि पीने वाला भी खुश है, सिर्फ महिलाएं खुश नहीं है, पुरुष भी खुश है, और नहीं पीने वाले ही खुश नहीं है, पीने वाले भी धीरे धीरे खुश है। लेकिन अब बड़ा काम होता है तब बड़ा मजाक उड़ा उड़ाने वाले लोग अब आजकल यही कहेंगे कि कहीं सफल हुआ, अरे अमेरिका में सफल नहीं हुआ, तो गुजरात में है, तरह तरह का बताएंगे कि तीन राज्य में है क्या स्थिति है, बिहार में भी किया गया फिर वापस करना पड़ा, इतनी बात हो गई। अरे भाई प्रयास कभी हुआ और पूरे तौर पर सफल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, शराब बुरी चीज है, इसको फिर बंद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मुझको तो आत्मविश्वास, और यह आत्मविश्वास पैदा हुआ है यहाँ के लोगों के जज्बे को देख कर, उनकी भावना को देख, हम देख रहे हैं किस प्रकार का समर्थन है, कैसे कामयाब नहीं बिल्कुल सफल हो, और जो लोग इसके असफलता की कामना कर रहे हैं उनको निराशा हाथ लगने वाली। एक एक बात है भाई, एक एक चीज बता देता है लोग, एक जगह एम्बुलेंस में भर के दारू ले जा रहा था, कोई गड्ढा खोद करके दारू का बोतल रख रहा है, पकड़ा जा रहा, लोग बता रहे हैं, एक एक चीज की जानकारी मिल जा रही है। इसलिए अब ऐसा नहीं है, लोगों की भागीदारी है, सिर्फ अगर प्रशासनिक महकमे पर, प्रशासन, पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट, उसी के बदौलत अगर हो तो दिक्कत हो, लेकिन यहाँ तो सारे लोग लग गए कि भाई इसको बंद होना चाहिए, और हमारे यहाँ बंद हो रहा है, बताई रही बॉर्डर पर जितना है सब जगह शराब का खूब दुकान खुलवा, उसका बोली बहुत ऊंचा है चल रहा है, इन लोगों को पता नहीं है, हम तो वहां जाएंगे, निमंत्रण आने लगा, हम उस सब जगह जाकर के शराबबंदी के पक्ष, वहां पहले ही से अभियान शुरू हो गए, हर जगह, झारखंड हो, यूपी हो, हर जगह, बंगाल तो अभी चुनाव में
लगा होगा। इस बात आप देखिएगा सब जगह से आवाज वही आएगी। और अंततो गत्वा बिहार में शराबबंदी का अभियान कामयाब होगा और ये देश भर में लागू होगा। इसमें जो बिहार के बंगाली समाज के लोग हैं, बिहार बंगाली समिति, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप लोग सब चीज पर नजर रखिए और मालूम भी रहता है सभी पता चलता है इधर उधर सब तरफ मालूम होते रहता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को भी जो जानकारी मिले तो सीधे पास ऑन करिए, उसके लिए नंबर दिया हुआ, कहीं कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो सजगता और सक्रियता रहेगी तो ये मुहिम कामयाब होगी और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए। कुछ लोग कहते हैं साहब सरकार के खजाने में नुकसान हो रहा है, हमने कहा ये नुकसान लोगों को दिख रहा है लेकिन फायदा कितना बड़ा, इसका सोशल इम्पैक्ट कितना जबरदस्त है। जो हजारों करोड़ रुपया, अगर 5,000 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी और वैट और सब मिलाकर आ रहा था तो कल्पना करिए कितने हजार करोड़ रुपए का शराब बिकता होगा, कितने हजार करोड़ रुपए का शराब बिकता होगा। आप सोच लीजिए कि 15-20 हजार करोड़ रुपए का अगर शराब बिकता था तो उस पैसे का उपयोग शराब की जगह लोग दूसरे चीजों में करेंगे तो परिवार की स्थिति कितनी बेहतर हो, बेहतर पहुंच सकते हैं, अच्छा और खा सकते हैं, पोषक आहार ले सकते हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और जरा कल्पना करिए कि बाकी चीजों में वो पैसा खर्च करेंगे तो बाजार की अर्थव्यवस्था तो और मजबूत होगी। जब किसी चीज की मांग बढ़ेगी तो उसका व्यापार बढ़ेगा, जब व्यापार बढ़ेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से फिर तो सरकारी खजाने में टैक्स पहुंचेगा। तो इस शराब से टैक्स लेकर के ये अनैतिक कारोबार से कमाई करें, इसलिए सोच समझ कर यह निर्णय लिया गया है। और जब कहीं भी जाते थे महिलाएं बोलती थी, लोग बोलते थे, और जब पिछले साल एक मीटिंग में हम बोलकर बैठ गए पीछे से महिलाओं की आवाज आई शराब बंद कर दी, तो हमने कहा अगली बार आएंगे तो बंद, तो जब बोल ही दिए तो बंद करना ही था, बंद कर दिए। अब तो सबका कर्तव्य है, सब लोग इसमें भिड़िए, कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो समय पर उसकी सूचना दीजिए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। और आज महिलाएं तो गांव गांव में इतनी सजग हो गई और हम महिलाओं का तो और अभिनंदन करें। हम तो सोच रहे थे कि पहले देहात वाला और देसी वाला बंद करके माहौल बनेगा तब टाउन में करें, लेकिन हमने देखा कि वो माहौल शहर का भी बना हुआ, कोई दुकान खोलने के लिए गया तो उसको खोलने नहीं दिया, हमने कहा इससे अच्छा माहौल क्या होगा, हमने यही माहौल बन गया ताकि बंद हो गया। अब पूर्ण शराबबंदी, अब उसमें कितना अच्छा लोगों के बीच में वातावरण बना है। हम समझते हैं कि इस वातावरण को लोग कभी खत्म नहीं होने देंगे और इसका प्रभाव दूरगामी पड़ने वाला है, लोगों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी, सामाजिक परिवर्तन आएगा, लोगों की आदतों में सुधार होगा। तो ये सब चीज तो एक हिम्मत करने की चीज है, हम लोगों ने इस काम के लिए हिम्मत किया है। कहिए वीरेंद्र भाई, है ना ठीक, दिक्कत नहीं ना हो रहा सब लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है और ये सहयोग निरंतर जारी रहा है। सदैव आपकी सक्रियता से ही यह अभियान सफल भी होगा, कारगर भी होगा और इसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर पड़ेगा। और हम तो आप लोगों में से जो लोग मिल जाएंगे ना, तो हम समझते हैं अगल बगल अड़ोस पड़ोस के इलाके में भी घूम जाएंगे। झारखंड से तो बुलाने लगा, यूपी से भी न्योता आ गया, उड़ीसा से भी कह रहा है, चेन्नई में तो सब ने ऐलान ही कर दिया कि नहीं, जो सरकार में उन्होंने भी कर दिया, जो पहले सरकार में तो उन्होंने भी कर दिया, और जो आना चाहते हैं कुछ और लोग भी सरकार में एक थर्ड फ्रंट बना लिया है, उन लोगों का भी पत्र आपको पढ़ो।
वहां तो एकमत हो गया तमिलनाडु। तो इसलिए आपके बीच आज 9 वर्ष के अवसर पर आयोजित इस प्लेटिनम जुबली समारोह में उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। आप सब के सहयोग से और बिहार के सभी तबकों के सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा, और जो नया काम हुआ है इससे बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बिहार की इज्जत बढ़ेगी और देश में भी यह अपना असर जरूर डालेगा। तो इन्हीं सपनों के साथ आप सबको एक बार फिर से शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, खेती वाला ना कोने, खेती वाला कर्टसी बाय बंगाली एसोसिएशन बिहार भागलपुर ब्रांच, वीडियोग्राफी बाय सोमनाथ सरकार, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ भागलपुर ब्रांच, एडिटेड बाय रूपम कर्मकार।